ऑन ऑफ का है और लेफ्ट राइट ये मुझे अच्छा लगा। ये रिवर्स मोड जैसे में इससे हमें क्लिक करना पड़ता है, ये ओपन हो गया। तो फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूँ जितेंद्र सिंह राज। आप देखें टेक्निकल भगत सिंह। दोस्तों बहुत दिनों के बाद काफ़ी वीडियो नहीं आई और बहुत दिनों के लिए सक्सेसिव जितना कि लगभग 15 या 20 दिन हो गए वीडियो नहीं आ पा रही। और अभी मैं आपके लिए लिखाया हूँ ओला S1 जो मेरे पास अभी, ये सेम पूरा वैसे दिखता है जैसे S1 Pro है उस टाइप का ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट S1 ही है। और इसमें मैंने देखे मुझे लगा शायद S1 Pro होगी, लेकिन इसमें दो ही मोड और अभी एक अपडेट आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज हमने पासवर्ड भी डाल के उसको पूरा चालू कर दिया। इसमें नॉर्मल मोड है, जैसे कि मोड आपको मैं बता दूँ इस टाइप का मोड आएगा। ये अभी देखो ये नॉर्मल मोड है और यहाँ पे मोड अभी चेंज हो गया था कि स्पोर्ट्स और ये नॉर्मल, दो मोड हैं और इको मोड नहीं आता। ये इको मोड ओनली फॉर स्पोर्ट्स S1 Pro में ही देखने को मिलेगा। अभी ये नॉर्मल है, स्पोर्ट्स हैं ये दो और इस साइड जो पूरा आता है गैप साइड जो रहेगा तो पूरा लाइट का सेक्शन और ऑन लेफ्ट राइट। ये देखिए जैसे ये लाइट इस टाइप की लगती है तो उस टाइप का आवाज़ भी ये करने लगता है। ये लाइट का सेक्शन है और ये राइट ओके और ये फ्रंट सेटिंग। तो आप लाइट चालू हो गई होगी इस टाइप, ये बन इस टाइप का लुक वाइज आगे का जो सेट है बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग लगता है लुक वाइज और ज़बरदस्त देखने के लिए। ये थोड़ा सा भाग अगर आप रियल में देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा सेट लगता है। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि आपको एक नया अपडेट आया है तो ये म्यूज़िक वाला अपडेट अभी कमिंग सून, इन्होंने शायद अपडेट नहीं किया होगा मेरे हिसाब से या अपडेट करना बाकी है, तो इसके हिसाब से पूरा ये इस टाइप से लुक वाइज रहता है। यहाँ पे आप प्ले म्यूज़िक करते हैं, जो स्पीकर यहाँ पे नीचे के साइड स्पीकर लगे होते हैं ऑलरेडी तो वो पूरा इसमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से वन क्लिक जो आप स्विच करते हैं तो वो ऑन ऑफ और पासवर्ड डालो और चालू हो जाए। ज़्यादा कुछ हैवी नहीं, स्पोर्ट्स हैं और ये नॉर्मल है ओके। तो गाइस इस टाइप का लुक वाइज और थोड़ा सा मैं राउंड मार के देख लेता हूँ। तो ये मैंने नॉर्मल मोड में ही चले ये पूरा एकदम, और स्पोर्ट्स मोड में थोड़ी सी स्पीड इसकी तेज हो जाती है और पिकअप भी थोड़ा सा अलग हो जाता है और फास्ट मूवमेंट करने लग जाती है। लुक वाइज काफ़ी अमेजिंग है, ब्लैक सेट कलर है। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं साइड में यहाँ पे करें तो यहाँ पे पार्किंग का ऑफ ये निशान आ जाएगा, देखिए इस टाइप का पार्किंग सेट और गाड़ी चलेगी नहीं और वापस आपसे यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगा भाई गाड़ी अब इसका हटाओ तो गाड़ी चलेगी। बाकी लुक वाइज काफ़ी अमेजिंग सेट है, सीट का और बेस्ट सेटिंग है ज़बरदस्त लुक के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लाइट सेक्शन देखो, यहाँ पे अभी ये साइड स्टैंड पड़ा है और टाइम इतना हुआ है, कितने किलोमीटर अभी चलेगी वो अभी है 1255 किलोमीटर चल चुकी हैं अभी 1255 किलोमीटर ओके। यहाँ पे म्यूज़िक का जो रहेगा वो म्यूज़िक सेक्शन यहाँ पे आएगा। बैटरीज अभी थोड़ी सी कम है, 29 किलोमीटर अभी और चल सकती हैं, जो 29 किलोमीटर और चलेगी। लाइट सेक्शन ऑन है तो वो हम यहाँ से बंद हो जाएगा ओके, बंद हो गया होगा ओके। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम जो यहाँ पे इस साइड नीचे की साइड जो दिया गया सिस्टम वो लेफ़्ट राइट, ये लेफ़्ट साइड का है तो यहाँ पे और लेफ़्ट राइट लाइट जो आप जाओगे वहाँ पे और प्रेस और ये एक सेट है यहाँ पे लाइट का ऊपर नीचे करने के लिए और ये मीटर सेक्शन कुछ इस तरह का आता है। तो ये सब हो गया लुक वाइज। बैक साइड जो रहेगा वो सिंगल प्रेस आप क्लिक करोगे तो नॉर्मल आप यहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हो और ये थोड़ा सा प्रेस करो और वापस बंद। तो ये ब्लैक कलर है और बैक साइड लुक वाइज काफ़ी अमेजिंग, ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन ज़्यादातर अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इशू के भाई अभी थोड़ा सा भी जंप मारे तो ये निकल जाता है बाहर और खड्डे वड्डे में, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे जो इसके व्हील्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, साइज़ इसकी बड़ी है, मस्त साइज़ अमेजिंग साइज़ है। और ये अगर ब्लैक कलर में आप लोगों तो ये फ़ायदा रहेगा कि ये दिखेगा नहीं, ये देखो यहाँ पे वापस अंदर चले गए तो वो एक बेस्ट सेट है। आपको यहाँ से निकालना पड़ता है बैठने के लिए, अगर पीछे वाले सीट पे भी कोई बैठ है तो। इन्होंने केवल ये यही जो अच्छा नहीं किया वो ये बीच वाला जो स्टेज है, तो सामान रखने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बाकी तो बेस्ट है, यही एकदम ज़बरदस्त सेट है। और राइट साइड की तरफ हम आ गए हैं वापस, तो यहाँ पे देखो और
ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे और जो मोड चेंज करने के लिए, और ये दो अलग अलग सेट, और पॉज प्ले जो अभी सिस्टम चालू होगा तो उसके हिसाब से रहेगा फर्स्ट सेटिंग। और आगे की तरफ से लुक वाइज पूरा मैकविल बड़ा सेट है, और यहाँ पे ओला की ब्रांडिंग की गई है। फर्स्ट सेटिंग ज़बरदस्त लुक वाइज काफ़ी अमेजिंग सेट लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार। एक स्पोर्ट्स मोड में भी मैं चला के देखूंगा भाई कैसा है कैसा नहीं है, तो वो भी एक जाना बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो अब क्या बताएं, स्टैंड थोड़ा सा ठीक ही है वैसा, अब दिखता है जैसे कि प्लास्टिक सेट का, लेकिन नहीं अच्छा है, क्वालिटी बेस्ट है, अच्छी ठीक क्वालिटी है। इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर लेडीज़ जो इंडिया में बैठते हैं वो साइड की तरफ बैठते हैं, या जो यहाँ पे एक फुटरेस्ट होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, होना बहुत चाहिए था, क्योंकि अगर पीछे की साइड अगर लेडीज़ बैठे हैं तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। और स्पीकर सेट, यहाँ पे स्पीकर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, जैसे ही आप थोड़ी देर रखोगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, वापस उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो एक थोड़ी सी मशक्कत रहती है। सीट कवर अमेजिंग सेट है ये दोस्तों, अभी थोड़ा स्पोर्ट्स मॉडल मैंने अभी किया है नॉर्मल, ये जैसे कि पहले नॉर्मल था अभी स्पोर्ट्स मॉडल किया है। ओके, थोड़ा सा अभी इसका भी टेस्टिंग हम कर लेते कि कितनी फास्ट चलती है। डिस्क ब्रेक देखिए यहाँ पे वन साइड साइड डिस्क ब्रेक है, और लुक वाइज काफ़ी अमेजिंग सेट, सिंगल शॉक अप्सर आता है लेकिन मजबूत है, एकदम पकड़ अच्छी है भाई, ऐसा नहीं है, बहुत ही अमेजिंग सेट है। और बैक साइड में देखते हैं तो वहाँ पे भी ये देखिए डिस्क ब्रेक ही है दोनों साइड। ओके, MRF का टायर के साथ आएगा दोस्तों, ज़बरदस्त सेट। लुक वाइज ब्लैक कलर, बहुत सारे कलर ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन S1 में कलर ऑप्शन आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन S1 Pro में बहुत ही ज़्यादा, लगभग 8 या 10 कलर हैं जो S1 Pro में देखने को मिलते हैं। कलर वाइज लुक वाइज अमेजिंग सेट। रिवर्स सेट मैंने आपको बताया यहाँ पे, और ये जो बूट स्पेस कितना रहता है यहाँ पे सेट, और बहुत सारी जगह, केवल ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाकी और भी अगर होते यहाँ पे और भी, और ये नहीं होता तो और भी साइज स्पेस इसका काफ़ी बढ़ जाता है। ये स्पीकर हैं लेकिन अपडेट आया नहीं, अपडेट हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो अपडेट करवा लेंगे तो जब थोड़ी सी गाड़ी पिकअप करती है और थोड़ा सा फास्ट ग्रो करने लगती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और फास्ट चलेगी इसकी ट्राई रहेगी, लेकिन दो ही मोड़ है। लेकिन स्पोर्ट्स मॉडल में ये है कि अब आप स्पोर्ट्स मोड में अगर चलाते हो तो थोड़ी सी इसकी रेंज थोड़ी कम हो जाएगी, वो एक उसका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वो तो स्पोर्ट्स मोड के लिए अभी ठीक है, हम गली वली में कहीं पर चलाए तो नॉर्मल मोड बहुत हो गए, तो वो एक अच्छी बात होती है। जो अभी नॉर्मल मोड वापस मैंने कर दिया है, अभी एक रिवर्स यहाँ पर जो रहता है तो रिवर्स सेटिंग मोड, तो ये मैं करता हूँ। और वापस और वापस हम उतर गए पार्किंग सेट की। और दोस्तों जो यहाँ पे जो स्पीकर है वो अगर आप रिवर्स सेट करते तो वो काफी जोरदार ज़बरदस्त आवाज़ करता है। यहाँ पे देखिए एक हुक दिया गया है, ओके, यहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट, चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक साइड चार्जिंग सॉकेट है, प्लस यहाँ पे आप थोड़ा नॉर्मल सामान रख सकते हैं, यहाँ पे हैगिंग के लिए कुछ अगर थैली वेली कुछ रखे तो। आगे जगह काफ़ी बड़ी है और बहुत बड़ी जगह है, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फुटरेस के लिए अच्छा है, क्वालिटी वाइज बेस्ट है ये ज़्यादातर। अभी मैंने ज़्यादा वीडियो बहुत सारे जो ओला की वीडियो देखी तो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ये थोड़ा सा मजबूत नहीं है, मजबूत है वो, किसी की भाई प्रॉब्लम होती है अगर तो वो बात अलग है कि भाई प्रॉब्लम होती है, तो वो सभी कहते हैं कि भाई इससे बॉडी से जुड़ा होता है, बॉडी से जुड़ा हुआ नहीं होता है भाई, ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ कि ये बॉडी से जुड़ा हुआ नहीं है, अलग सेट है पूरा, तो यहाँ से आप इसको नॉर्मली हटा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उठा नहीं सकते, वो मजबूत है, क्वालिटी वाइज बेस्ट है। S1 Pro यहाँ पे भी लिखा हुआ है। गाइज वो अभी इसका देखते हैं कितना स्पेस रहता है अंदर, तो वो यहाँ से हमें क्लिक करना पड़ता है, ये ओपन हो गया से, और बहुत सारी जगह है यहाँ पे, चार्जर जो रहेगा वो चार्जर इसके अंदर ही, अभी चार्जिंग के लिए कहीं पे भी आप रुके तो वहाँ पे चार्जिंग कर सकते हो, बहुत सारे दो हेलमेट आराम से आ जाएगा, और बहुत बड़ी जगह है तो काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आ सकता है, इतनी बड़ी सी जगह है इसके अंदर, तो ये से देखने को मिलता है, बहुत बड़ी जगह है, तो दो हेलमेट आ सकते हैं आराम से, और चार्जर अभी इसके अंदर ही है, तो वाइट है चार्जर, और ये हो गया बंद, तो नॉर्मली आवाज़ रहेगी तो वो आएगी आवाज़, तो बस बंद हो गया, तो ये इसका पूरा लेवल से ज़्यादा है,
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके सामने बहुत ही जल्दा होगा, तो उसकी अगर ये चल रही अभी जैसे कि ये 1256 किलोमीटर चल चुकी है अभी और ज़्यादा चलेगी, तो उसके हिसाब से मैं अभी 5000 के आसपास जैसे ही रहेगा तो मैं इसके बारे में रिव्यू दूंगा कि कैसा है। अभी मैंने नॉर्मल और स्पोर्ट्स दोनों मैंने S1 ट्राई की, अभी S1 Pro भी है, तो S1 Pro भी मैं आपको तो उसका भी रिव्यू मैं आपको जरूर दूंगा। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मुझे देखो दोस्तों काफ़ी अच्छे की नॉर्मल में भी स्पीड मस्त है, एकदम बेस्ट है, कहीं के भी कुछ ऐसा रुकना वो नहीं है और प्रॉब्लम नहीं रहती। ज़्यादातर अभी बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक में प्रॉब्लम आती है कि रुकते ही वो जाम हो जाती है, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम रहता है, अचानक झटके मारती है, तो वो ऐसा कुछ नहीं इसमें मुझे लगा। फर्स्ट बार मैंने कुछ बोला, पहली बार मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, काफ़ी अमेजिंग और अच्छा रहा मुझे दोस्तों, अच्छी लगी। आपको कैसे लगे दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। नेक्स्ट वीडियो 5000 जैसे कि इसका 5000 के आसपास हो जाएगा, 5000 के आसपास ऊपर, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग और बहुत ही जल्द। अभी मैं दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक आने वाली है मेरे पास, मेरा दोस्त साहिल जो अभी लेने वाला है, तो उसका भी वीडियो मैं आपको जल्दी बताऊंगा कौन सी बाइक है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ दोस्तों। तो बहुत ही जल्द वो एक सरप्राइज रहेगा, तो वो हमारी रहेगी बाइक, तो वो हम लेके घूमेंगे और उसका पूरा व्यू पूरा वीडियो मैं आपको बता दूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।